है लक्ष्य स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपके बीच उपस्थित हो चुका हूं। आज मैं एक मैथ का टॉपिक आपके बीच लाया हूं। आज मैथ का टॉपिक का नाम है समीकरण, यानी इक्वेशन इंग्लिश में बोलते हैं, यानी समीकरण हम कैसे बनाएंगे, आज उनके बारे में हमें पढ़ना है, सीखना है और समझना है, और दोस्तों को भी बताना है कि आज मैंने समीकरण सीखा। तो आज मैं आपको एक बेहतर तरीका, एक शॉर्टकट तरीका और सर्वोत्तम तरीका आपको दूंगा, जो आप आसानी से इसे सीख सकोगे। ठीक है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले, आप देखने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और ऐसे बेल आइकन का बटन होगा उसे आप प्रेस करना, ताकि आपको नए नए वीडियो आसानी से मिल सकेंगे नोटिफिकेशन के रूप में। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है समीकरण और यानी इक्वेशन। समीकरण हम कैसे बनाएंगे, तो इसके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। समीकरण में आपको ना दो बातों पर ध्यान देना है, दो बातों पर। एक बात, पहली बात होता है इसमें जो एक होता है चर और एक होता है अचर। अब किस पे ध्यान देना है, चर और अचर पर। तो आप सोचोगे कि चर किसे बोलते हैं और अचर किसे बोलते हैं। चर जो होता है वो मेरा ए बी सी डी होता है, ए बी सी जेड, समझिए ना। चर जो होगा ए बी सी से लेके जेड तक मेरा क्या होगा, चर होगा। और अचर, अचर जो बोलते हैं न्यूमेरिकल नंबर होता है, एक दो तीन अनंत तक खींच देते, इसका कोई अंत नहीं है, अनंत तक, इसे बोलते हैं अचर। तो सबसे पहले हम चर समझेंगे, चर होता है ए बी सी से लेके जेड तक, और अचर होता है 1 2 3 और अनंत तक, जो भी आप ले सकते हो। तो हमने समझ लिया चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। इसके बाद ये मुख्य बातें हुआ स्टेप वन में हमने सीखा चर यानी ए बी सी से जेड तक, और अचर में मैंने सीखा 1 2 3 और डॉट डॉट करके दे दिया गया है, मतलब अनंत तक। स्टेप टू होता है स्टेप टू में आपको क्या याद रखना है, याद ये रखना है आपको, इसमें दो पक्ष होते हैं, पक्ष की बात करते हैं, साइड की बात करते हैं। तो एक होता है बायां पक्ष तथा दूसरा होता है दायां पक्ष। हमें जो याद रखनी है बायां पक्ष तथा दायां पक्ष, दो बात याद रखनी है, स्टेप वन में चर अचर और स्टेप टू में बायां पक्ष और दायां पक्ष। अब मैं आपको यह भी बताता हूं, अब कैसे समझोगे ये दायां पक्ष है और बायां पक्ष है। देखो, जैसे हम यहां पे खड़े हैं ना, तो मेरा हाथ देख रहे हो, तो मेरा जो हाथ है ना, तो जिस हाथ में मेरा पेंसिल है मेरा क्या है, ये राइट है, ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है, समझ गए ना। तो हम जब भी बनाएंगे ना, तो ऐसे खड़े रहेंगे क्वेश्चन बुक के सामने यानी कॉपी के सामने, और मेरा जिस हाथ में पेन रहता है अक्सर वो दायां होता है और बायां होता है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिसके लेफ्ट हाथ में भी पेन हो सकते हैं, तो उसके लिए वो दायां बायां होगा और दायां होगा, तो समझ गए ना। तो एक होता है बायां पक्ष तथा दूसरा होता है दायां पक्ष। एक और बात, अगर मान लीजिए उत्तर की दिशा में होंगे, ऐसे कॉपी के सामने खड़े होंगे और उत्तर की दिशा में देखेंगे ना, तो उत्तर का दिशा मेरा क्या होगा, दायां होगा, और दक्षिण की दिशा में क्या होगा, बायां होगा। और अगर हम पूरब की ओर देखते हैं तो मेरा क्या होगा, उत्तर जो मेरा क्या है ना, ये मेरा क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, और दक्षिण दिशा मेरा क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। पश्चिम को अभी भी बता दिए हैं, अभी ये पूरब की ओर बता दिए, तो दायां बायां में समझने आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आपको दो बात याद रखना है, स्टेप वन चर और अचर, और बायां और दायां, समझ गए ना। तो आप इक्वेशन जो बनते हैं ना, वो कैसे बनते हैं, आज मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ, कई सारे एग्जाम्पल लूंगा, आज एक एग्जाम्पल देखिए कैसे बनते हैं। जैसे मान लीजिए 6x प्लस 2
और 4x 6, ये मेरा इक्वेशन है, समीकरण है, 6x प्लस 2 4x माइनस 6। देखो इसमें आप क्या है ना, इसमें आप सोचो इसमें कौन सा दया बयां देख रहे हैं इधर, ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा क्या है इधर, तो इधर जो है मेरा दया हुआ और इधर मेरा क्या हुआ, बायां हुआ। मुझे किस हाथ में पेंसिल है, देखिए पेंसिल के साथ में है राइट साइड में, तो मैं क्या होगा ये अब देख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा ये 4x माइनस 6 दायां है और 6 प्लस 2 मेरा बायां है, तो दायां बायां समझ गए, चर अचर समझ गए। देखिए इसमें आपको बोलेगा ये क्या है, तो ये मेरा चर है, ये मेरा अचर है, ये मेरा चर है और ये मेरा अचर है, चर अचर चर अचर, समझ गए ना। तो हमें क्या करना है, समीकरण का रूल कहता है तो चर चर को आप एक साइड कर लो, अचर अचर को एक साइड कर लेंगे, तो अक्सर हम बायां पक्ष में चर को हम कर लेते हैं, समझ गए ना। इसमें ये मेरा ये चर है, ये अचर है, ये चर है या ये अचर है, समझ गए चीज, देख ली ध्यान से, ये चर है, अचर है, चर है और अचर है, समझ गए ना। देखो इसको हम वैसे मिटा देते हैं, देखो मिटा दिए ऐसे करके, अब फिर ठीक हो गए। तो देखो मैंने क्या कहा, अभी 6x को ना यहाँ पे लिखेंगे, 6x पहले आप यहाँ पे एरो का सीन देख सकते हो, या का सीन देख सकते हो, या और का सीन साइन आप लिख सकते हैं, एरो का साइन दे सकते हैं, या का साइन दे सकते हैं, या और का साइन दे सकते हैं, तो समझ गए। तो 6x और ये मेरा अचर है, ये मेरा क्या है, अचर है और ये मेरा क्या है, चर है, तो चर चर को करेंगे। तब एक बात और याद रखना होगा, एक बात और याद क्या रखेंगे, ये मेरा क्या है ना, चर है, तो चर मेरा कहाँ है, बायां पक्ष, बायां से अगर हम दायां लाएंगे, दायां से अगर बायां लाएंगे, बायां से अगर दायां ले जाएंगे ना, तो मेरा चिन्ह भी बदलेगा। यहाँ मान लीजिए कोई चिन्ह नहीं है, यानी यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो इसको हम इस साइड ले आएंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह होगा, मिटा दो, यहाँ पे क्या होगा, माइनस का चिन्ह होगा, 6x माइनस 4x, तो 4x क्यों हुआ, ये मेरा बायां दायां पक्ष में था, दायां से बायां लाए तो मेरा चिन्ह बदल गया, तो प्लस से माइनस बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस साइड ले जाएंगे, तो पहले इस साइड में लिख लेते हैं दायां पक्ष वाला, तो माइनस 6 है, ये नहीं बदलेगा क्योंकि ये दायां पक्ष में ही है, अभी दायां पक्ष में ही लिख रहे हैं, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। देखिए ये मेरा 2 है, 2 मेरा प्लस में है, देखो पीछे में चिन्ह, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप उसमें देखोगे, डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, वहां पे आप देखोगे कि प्लस माइनस में कैसे परिवर्तन होता है, उसमें बताया है कि कौन है प्लस में कौन है माइनस में, ये भी वीडियो है, आप वो भी वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया जाएगा, वहां पे से भी आप देख सकते हो। तो ये मेरा 2 है ना, प्लस 2, अब इसको हम इस साइड ले आएंगे ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस 2, ये 2 प्लस में था, दायां पक्ष गया तो माइनस में आ गया, ये रूल कहता है, तो इसको आप माइनस से, उसका मतलब क्या होगा, इसको आप लेस करोगे, लेस करेंगे तो क्या होगा, 2x बराबर इक्वल टू, इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, तो माइनस 8 होगा, होगा ना, माइनस 8 होगा, 6 2 8 माइनस माइनस प्लस, चिन्ह जो लिखेंगे, इन दोनों में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, 6 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस दिए। फिर देखो अब हम x बराबर माइनस 8/2 लिखेंगे, अब इसको हम काटते हैं तो माइनस 4 होगा, यानी x बराबर माइनस 4 आपका ये आंसर हो जाएगा। ये मेरा x का वैल्यू निकला कितना, माइनस 4। तो इस तरीका से आप क्या बनाएंगे, समीकरण आप बना सकते हैं, इसमें दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष, ये मेरा चर, ये मेरा अचर, ये मेरा चर, ये मेरा अचर। आप हमेशा सोचना है चर चर को आप एक साइड ले जाओगे, अचर अचर को एक साइड ले जाओ, यहाँ पर लिख दिए चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ये भी क्लियर, बायां दायां भी समझा दिए, वो भी क्लियर, आइए क्वेश्चन बनाकर दिखा भी दे, ये भी क्लियर। अगर कहीं भी आपको समस्या हो रही है तो समस्या को ना आप आसानी से आप पूछ सकते हो, कमेंट करना जहाँ दिक्कत होता है, तो और इस पर हम बताएंगे और वीडियो बना के आप लोगों को देंगे, समझ गए ना। एक क्वेश्चन और हम आपको बना के दिखाते हैं, देखिए कैसे बनते हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चन बहुत इजी है बनाना, ज्यादा आप सोचना नहीं, ज्यादा सोचना मत, इतना है कि चर क्या है अचर क्या है, बस ये आपको सोचना है, और स्टेप टू में बायां पक्ष तथा दायां पक्ष के बारे में आपको सोचना है। देखिए फिर लिखते हैं, इसमें लिखेंगे 4y
प्लस थ्री बाय टू देते हैं, 4y प्लस थ्री बाय टू। और यहाँ पे लिखते हैं 2y माइनस फाइव, देखो ना, तो इसमें ये मेरा क्या है, चर अचर, चर सॉरी ये चर चर हुआ, ये अचर हुआ, ये भी मेरा क्या अचर है, ये भी मेरा क्या हुआ चर हुआ, और माइनस फाइव अचर हुआ। क्यों अचर हो रहा है ये, क्योंकि ये ना गुना है, अचर को चर से अगर हम गुना करते हैं ना तो ये मेरा क्या हो जाता है ना, फोर वाई है ना, तो ये मेरा चर हुआ। क्यों, इसमें अल्फाबेट है ए से लेकर जेड के बीच में वाई आता है ना, तो वाई लिए हैं, इसमें वाई लिए हैं, और ये न्यूमेरिकल नंबर है, तो न्यूमेरिकल नंबर क्या होता है मेरा अचर होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर समझिए। तो देखिए इसको बनाएंगे ना, वही एरो का साइन देंगे, तो इसको हम क्या करेंगे ना, देखो ये है बराबर, बराबर में जो भी होता है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ऐसे करके मान लीजिए एक बाई दो, ऐसे करके छः बाई दो रहेंगे, तो इसको ना बराबर जब होता है तो क्रॉस गुना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको बोलते हैं, यानी आप लोकल भाषा में समझोगे तो कोना कोनी गुना करना है, सिक्स को दो को और एक को चार गुना करेंगे, तब इसको हम इनसे गुना करते हैं। देखो टू इंटू टू वाई माइनस फाइव, इधर मेरा कुछ है ही नहीं, यहाँ नीचे एक से गुना करते ही होगा, तो फोर वाई प्लस थ्री, तो यहाँ पे फिर करेंगे 4y 10 4y प्लस थ्री, देखो दो दूनी चार 10 फोर थ्री, इन दो से गुना किए 10 हुआ ना। अब इसको इस साइड लाएंगे, देखो 4y माइनस 4y, इसको इस साइड लाएंगे ना, ये प्लस में था तो माइनस कर दिए, चर चर को एक जगह कर लिए, अब इस अचर को करेंगे, अचर मेरा तीन है, इधर ले जाएंगे तो प्लस मेरा दस होगा, माइनस में ना प्लस में हो गया। अब हम करेंगे, देखो इसमें क्या होगा ना, ये मेरा कट गया जीरो, इसको बराबर कर देंगे हम तेरह, यानी इसका जो आंसर होगा मेरा का कोई हल नहीं, वो जीरो होगा, यानी एस का वैल्यू कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि ये मेरा यह वाई वाई कट चुका है। तो इस तरीका से आप समीकरण सीख सकते हैं। अगर और भी आपकी आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट करना, ताकि आपको हम और अच्छे ढंग से बताएंगे, और आपका वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और इस चैनल का नाम है लक्ष्य स्टडी सेंटर कुरसों के नाम से है, उसे आप सब्सक्राइब करना, ताकि आपको नई नई वीडियो आसानी से मिल सकेंगे, समझ गए ना। तो इस प्रकार ये मेरा टॉपिक था समीकरण का, टॉपिक को मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, आप लोग समझ चुके होंगे। आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंड, थैंक यू।